In the chaos of life, we often forget what truly matters. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपका होस्ट एंड स्कूटर वाला स्वागत करता है ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। सो जैसे कि आज वीकेंड है, सो आज वो कहीं ना कहीं कोई ट्रिप बनता है, कोई प्लान बनता है। एंड वैसे बहुत टाइम से मैं व्लॉग डाल नहीं रहा था, मतलब काफ़ी कुछ भसड़ चल रही थी लाइफ में जिसके से नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि चलो आज आते हैं, कुछ बनाते हैं। जो प्लान है, हम लोग आज कहीं भी जा रहे हैं बिकॉज मुंबई से ड्राइव भी हो जाएगा एंड मज़ा भी आएगा थोड़ा सा। एंड बीच, आई एम अ बीच लवर, माउंटेन लवर, सब कुछ लवर है एक्चुअली, बट बीच ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। सो राइट नाउ इज 8:15 हो रहा है, पांडा भी 10-15 मिनट में पहुंच ही रहा होगा, तो उसकी गाड़ी में निकलेंगे फिर किंग बीच। तो मिलते हैं पांडा के आने के बाद। तो अपना पांडा भाई आ चुका है, ये रहे इसकी। सो किंग बीच पहुँचने के लिए हम लोग को अराउंड लगने वाला है 2 से 3 घंटे लगेंगे बिकॉज हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। ऑप्शंस हैं और भी, रास्ते में बता दो क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक खोल रहे पनवेल पहुंच चुके हैं फाइनली टू द ब्रेक, फिर हम टू स्नैक्स एंड खा रहे हैं एंड मिसल पाव एंड वड़ा पाव ऑर्डर किया है। राइट नाउ टाइम इज 10:09, देखते हैं बहुत भूख लग रहा है। एंड आफ्टर हैविंग सच अ डिसअपॉइंटिंग ब्रेकफास्ट, पहले अच्छा मिलता था लेकिन पता नहीं अभी शायद से पब्लिक ज़्यादा आती है इसलिए ज़्यादा बेकार हो गया क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है, प्राइस बढ़ चुका है, बट ठीक है, भूख काफ़ी लगी थी इसलिए थोड़ा कुछ पेट पूजा करना ही था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पनवेल से एंड टाइम इज़ राइट नाउ 10:21 लगे या डेढ़ दो घंटा पकड़ लो इंक्लूडिंग ब्रेक्स। चलो निकलते, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, 11 बजे पहुँचना था। फिर से ट्रैफिक, मुंबई से ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड अगेन देखो भाई, फिर से ट्रैफिक। मतलब भाई मुंबई में ट्रैफिक खत्म हुआ तो यहाँ पे सोचा था कि थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। मतलब मेरे ख्याल से अपने यहाँ जा रहे हैं और बहुत भीड़ होने वाला है, चल देखते हैं कर क्या रहा है। ऐसा ठंडा हुआ ना भाई, अच्छा कांच ठंडा करा रहा है, इंसान गर्म हुआ चलेगा लेकिन ग्लास ठंडा करा रहे हैं इसको। फाइनली हम पहुंच गए हमारे रूम के इधर। सो दिस इज द प्लेस, हरीश वीर स्टे ऐसा कुछ नाम है, काफ़ी सर्च करके मिला था एंड लोकेशन डाल दूंगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी है लोकेशन। और ये किहिम बीच से विद इन 10 मिनट्स के रास्ते में है एंड ठीक है, अच्छा है। पार्किंग अभी एम्पल स्पेस है, पार्किंग किया उन्होंने गाड़ी यहाँ पर, अभी हम लोग जा रहे ऊपर एंड राइट नाउ इज़ 1:30 हो रहा है यहाँ पर एंड इट वॉज एक्सपीरियंस। सो दिस इज द रूम, कितना पहुंच गए हम लोग। ये तो बोलो, आई एम द राजा, द मैनेजर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो भी रहेगा इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कांटेक्ट कर लेना। आप अभी रूम देख लेते हैं। सो दिस इज आवर स्टे, दिस इज गोइंग टू आवर स्टे फॉर टुनाइट एंड बहुत अच्छा जगह है,
बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नीट है. सो जा रहे हैं, हुआ नहीं खुल के, लेकिन बहुत ही मेंटेन है, वेल मेंटेन है. एज यू कैन सी वहाँ पे बुक्स दिया हुआ है, विंडो है, बेड बहुत ही बढ़िया है, एंड देयर इज अ टीवी. एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे मिनी फ्रिज दिया हुआ है, वेरियस काइंड ऑफ ग्लासेस, जो भी ड्रिंक करते हो, वाइन, विस्की, जो भी है, एंड जो भी है. फिर बाद में यहाँ का वॉशरूम दिया गया है, वॉशरूम बहुत ही बढ़िया दिया है, आई मीन वॉश बेसिन, एंड ये मैं, एंड वाओ, दिस इज समथिंग. लंबा वाला शॉवर, मतलब नॉर्मली यहाँ पर जो नॉर्मल शॉवर देखते हैं, यहाँ पर कुछ इट्स अ वेरी नाइस, मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना है, देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन बनाया है. एंड दिस इज द व्यू आउट ऑफ हियर. एंड अभी पीछे तो मैं टेरेस भी दिखा देता हूँ, ठीक है. तो एंड बहुत बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक अभी ऊपर टेरेस है ना, तो अभी टेरेस पे तरफ जा रहे हैं हम लोग. सो यहाँ का टेरेस भी है अच्छा है, मतलब काफ़ी शेड अच्छा खासा दिया हुआ है, व्यू बहुत ही बढ़िया है. आई मीन अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है, बिकॉज अभी 2 बज रहा है, करीब 2 बज रहा है, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि इवनिंग टाइम बहुत अच्छा होता रहेगा, मतलब मोस्टली सनराइज एंड सनसेट का टाइम बहुत ही बढ़िया होता रहेगा. एंड क्लाइमेट देखते हैं अभी, जैसा जैसा एक्सपीरियंस रहेगा मैं शेयर करते जाऊँगा. एंड बहुत ही बढ़िया है, चलो रूम में जाते हैं, अब एक्चुअली फ्रेश होते हैं और सच में पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगे भाई. फाइनली खाना खाने आ चुके हैं, एंड बहुत ही बढ़िया डिश है यहाँ पे, यहाँ सलाद, यहाँ पे फिश, यहाँ पे जीरा राइस, सॉरी जीरा राइस, चिकन, एंड ये साइड से चपाती. तो ये रहा आज का सेटअप. जब तक हम लोग खाना ख़त्म करते हैं, तब तक आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए. खाना बहुत ही बढ़िया था, सुरमई मच्छी था, प्रॉन्स करी था, जीरा राइस था और रोटी था. एंड वो तो सब वीडियो में देख ही लिए, बहुत दवा के खाया, मज़ा आ गया. फिर लास्ट में आइसक्रीम भी था. अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, सुबह सुबह निकले थे, ज़रा सी रेस्ट मिला नहीं था, और अब भी उसे निकल के मतलब नहीं है, बहुत धूप है. तो अराउंड थोड़े 1 घंटा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे घूमने के लिए, तो बीचेस वीचेस देखेंगे, सनसेट, लेट्स सी. गुड इवनिंग, जस्ट अभी उठे, इतना अच्छा खाने का, तब बढ़िया नींद आया ना, पूछो मत. अभी करीब 5:15 हो रहे हैं, अभी निकलेंगे बीच की तरफ, तो एक्सप्लोर करेंगे, आज आज घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या है, तो बीच की तरफ भी निकलते हैं. अभी एक्चुअली सर ड्रोन चार्जिंग में बिठाया, और नींद ऐसा है कि लाइक चार्जिंग करना भूल गया, तो अभी वही बिठाया, बस पढ़ा निकल चुके. तो फाइनली निकल चुके रूम से हम लोग, एंड राइट नाउ टाइम हो रहा है 5:21. अभी वी आर गोइंग टू अ स्कीम बीच, होपिंग फॉर सनसेट. अभी क्या लेफ्ट बाकी, हाँ यहाँ से लेफ्ट हम लोग राइट से आए थे ना. हाँ हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं बीच. तो दिखा दो आपको प्रॉपर्टी कितना दूर है बीच से. जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसने बोला बाई कार 7 मिनट्स, वॉकिंग 15 मिनट, देखते हैं. वॉकिंग 15 तो कहीं से भी नहीं है, लेट्स सी. अरे अगर तालाब ये वाला है तो फिर देखते. क्लाइमेट फिलहाल बहुत बढ़िया हो गया है, ना गर्मी है. जब हम लोग दोपहर को आए थे तब मर गए थे, आधा मर गए थे, बट था. फाइनली कीम बीच पहुंच गए,
लास्ट टाइम मेरा एक रील थोड़ा सा चल गया था, उसमें बहुत लोग कमेंट किए थे टीम भी सबसे कचरा बीच है, तो मेरा तो पता नहीं बट हाँ थोड़ा पब्लिक है। वीकेंड का टाइम है, सीज़न भी है, ज़्यादा लोग घूमने भी निकलते हैं। एंड हाँ हम लोग का वो टाइम जो था सुबह का टाइम था ना, दोपहर का टाइम था, यही एक दो बजे यार, तो थोड़ा पब्लिक है और सनसेट भी सामने अच्छा खासा चल रहा है। मतलब आफ्टर सनसेट आए थोड़ा चिल मारे टेरेस में, थोड़ा स्टार गेजिंग ने ट्राई किए हुआ नहीं, वो बात अलग है। फिर खाना अच्छा था रात का, देख ही सकते हैं। फिर मस्त अच्छा सा नींद आया, बहुत ठंडा क्लाइमेट था, मज़ा आ गया। एंड अभी हो रहा है 9:10, ब्रेकफास्ट करने आए हैं। वाह, तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट, टोस्टेड ब्रेड, अंडा भुर्जी और पांडा शेक। चलिए भाई चलो खाते हैं, निकलना है अभी मुंबई के लिए, ट्रैफिक से बचना जो है। चलो नाश्ता करके हो गया, मज़ा आ गया, दबा के खाया एकदम। अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू गूगल आंटी मुंबई यहाँ से, मतलब मेरा घर यहाँ से 2.5 घंटा दिखा रहा है, पांडा को ऊपर से और 1 घंटा एक्स्ट्रा एडेड है। बट जो भी था, ट्रिप वॉज नाइस, पीसफुल, मज़ा आ गया एंड द स्टे वॉज गुड, सर्विस बहुत अच्छा था, फास्ट था, 3.5 घंटे। एंड जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा इस स्टे के बारे में एंड कितना क्या प्राइसिंग, आप लोग खुद कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। एंड बीच जो है यहाँ से 7 to 10 minutes बाई कार है, या जो भी व्हीकल रहेगा, वॉकिंग 15-20 minutes पकड़ लो आराम से। और यहाँ से मार्केट भी लाइक इस मतलब मिडिल ऑफ कीम, मतलब चौंडी और कीम बीच के बीचों बीच है प्रॉपर्टी, बढ़िया है, शांति है, मस्त एकदम। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को भी एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ब्लॉग। विद डैट सेट, स्कूटर वाला साइनिंग ऑफ, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स।